आप सबका स्वागत है। आज हम 12 अप्रैल की शुभदान में पहुंचे हैं। पवित्रता जिसको हम कहते हैं सेलिबेसी, देखा जाए तो आपकी नंस भी सेलिब्रेट रहती हैं, फादर्स भी सेलिब्रेट रहते हैं, आपके ब्राह्मण प्रीस भी कई सारे सेलिब्रेट रहते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो भी सेलिब्रेट रहते हैं, और साथ ही साथ आपके शंकराचार्य जी को फॉलो करने वाले सन्यास धर्म वाले भी सेलिब्रेट रहते हैं। लेकिन फायदा क्या है सेलिब्रेसी का? दुनिया तो कहती है कि अगर आप सेलिब्रेट रहेंगे तो फिर दुनिया चलेगी कैसे, लेकिन यहाँ पर अरबों खरबों लोगों की बात हो रही है जो कि हर कोई तो सेलिब्रेट नहीं रहेगा, तो ये सेलिब्रेसी जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ही कम आत्माएं रहेंगी जिनको कि परमात्मा से कुछ पाना होगा। तो ये कंडीशंस हैं, क्योंकि कोई भी चीज में हायर क्लासेस में भी जाते हैं तो लोग छटते जाते हैं, तो सेलिब्रेसी भी वो छटाने के लिए है, वो अलग करने के लिए है, कंकड़ और दाल को अलग करने के लिए है। तो दाल अलग हो जाएगी, कंकड़ अलग हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सेलिब्रेसी के दो फायदे हैं। पहला, आपको खुशी होती है, शांति होती है, और तीसरा फायदा जो कि साइंस आजकल कह रही है कि आपकी उम्र भी बढ़ती है, जो कि परमात्मा भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी एज बढ़ती है, आपका रिप्रोडक्शन जो होता है सेल्स का वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर आप काम विकार में जाते हैं, सेलिब्रेसी में नहीं रहते हैं, तो आपका रिप्रोडक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। सेल्स का फॉर्मेशन, मरना और सेल्स का बढ़ना बहुत तेजी से होता है। इस कारण से आप देखेंगे कि जो लोग सेलिब्रेसी में नहीं रहते हैं उनकी उम्र घटती जाती है, या उनको हायर 60-70 की एज में उनको बीमारियां जल्दी पकड़ना शुरू करती हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए होता है, टेलोमियर्स होते हैं, उनके टेलोमियर्स शॉर्टन आउट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वेल, ये बातें बहुत सारी गहरी बातें हैं जिनको कि हम साइंस के अनुसार बाद में समझेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं आज पवित्रता की विशेष धारण द्वारा अति इंद्रिय सुख, कौन सा सुख? इन इंद्रियों वाला सुख नहीं, देखा तो सुख मिला, खाया तो सुख मिला, सूंघा तो सुख मिला, सुना तो सुख मिला, वो नहीं। अति इंद्रिय सुख जो कि आत्मा को महसूस होता है का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, प्योरिटी एक ही फाउंडेशन है, तो आप ब्रह्मचारी हो। लेकिन ये पवित्रता कौन सी है? यही निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस, मन में साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं कि आप सेलिब्रेसी में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ, या आपने शादी नहीं करी है एंड आप सेलिब्रेसी में रहते हो, नो गर्लफ्रेंड्स नो बॉयफ्रेंड्स एंड आप सेलिब्रेसी में रहते हो, तो सिर्फ वो ही सेलिब्रेसी नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, ब्रह्मा मतलब एडम, एडम का मन पवित्र, बुद्धि शीतल, बुद्धि के अंदर परमात्मा ने जो बीज डाल दिया ज्ञान का, उसके अनुसार सोच, उसके अनुसार बोल, उसके अनुसार कर्म करने वाले, वही ब्रह्मचारी है। अगर आपने सेलिब्रेसी रखी लेकिन आप एक दूसरे की चुगली करते हो, एक दूसरे को गलत बोलते हो, या आप पिन पॉइंट करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके अंदर शक्तियां नहीं है सामना करने की सिचुएशन को, या टॉलरेट करने की शक्ति नहीं है, तो फिर आप ब्रह्मचारी नहीं हुए। इवन तो आप सेलिब्रेट हो लेकिन आपने मन के अंदर सेलिब्रेसी नहीं धारण करी। संकल्प बोल और कर्म, परमात्मा कहते हैं रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। मतलब कि जैसे परमात्मा पिता ने ब्रह्मा को या एडम को सिखाया कि ये सिचुएशन में ऐसे करो रिएक्ट, इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करो, ये जो विजडम दी है उसके अनुसार चलना, ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। जब आप उनको देखेगा आप बोलोगे इनको पता नहीं क्या मिल गया है, इनको इनके अंदर इनके शक्ल पे इतनी शाइन है, चेहरे पे इतनी शांति है, इतना लोड है काम का लेकिन फिर भी ये इतने खुश हैं, इतने शांत हैं और चुपचाप हैं, और कम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, और बस वो ज्यादा वार्तालाप नहीं आते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं। यही सारी चीजें परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा कुमारीज में सिखाते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव करें। आप भी आकर के सीखे और अपनी उम्र को तो बढ़ाइए बढ़ाइए, और अपने सुख और शांति को इंद्रियों के अलावा वाला जो सुख है जो कि आपको शायद से पता भी ना हो उसको अनुभव करें आप आकर के ब्रह्मा कुमारीज में। ओम शांति के साथ।